नगर पालिक निगम भिलाई में इन दिनों हर रोज अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करते लोग नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी सोमवार को निगम आयुक्त रोहित व्यास से मिले और अपने 3 माह के रुके वेतन दिलाने की गुहार लगाई। नगर पालिक निगम भिलाई इन दिनों काफी परेशानी में नजर आ रहा है। एक परेशानी खत्म होती नहीं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। लगातार प्लेसमेंट कर्मचारी विभागीय तौर पर हर रोज अपने अपने वेतन के लिए निगम परिसर के अंदर भीड़ की शक्ल में नजर आते हैं, परंतु इसका ठोस हल अब तक निगम भिलाई निकालने में असफल रहा है। एक बार फिर सोमवार को उद्यानिकी विभाग में कार्यरत मजदूरों ने निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास से मुलाकात की और उन्हें अपनी आपबीती बताते हुए विगत 3 माह से वेतन न मिलने की बातें कही हैं और कहा है कि उनके ठेकेदार द्वारा उद्यानिकी कार्य के अलावा अन्य कार्य भी उनसे करवाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने उद्यान रखरखाव अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में खुद पर आने वाली विपदा और संकट से भी अवगत कराया, जिस पर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए 2 से 3 दिनों में वेतन प्राप्त हो जाने की बातें कही हैं और आगे की समस्या के लिए कोई हल निकालने आश्वासन दिया है। मैं गार्डन में काम करती हूँ, 3 महीने से पेमेंट नहीं आया है, बहुत परेशान है हम लोग। सर लोग तो बोलते हैं तो उन लोग पेमेंट देंगे बोलते हैं, लेकिन निगम में पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे। और काम कुछ भी करवाते, डिवाइडर में पौधे लगवाते हैं, मतलब कहीं बंगला वंगला में किसी किसी को भेज देते हैं और बोलते हैं कि गार्डन साफ नहीं हो रहा, तो लेबर उधर उधर भेजेंगे तो गार्डन कहाँ से साफ होगा। तो यही पेमेंट के नाम से हम लोग निगम आए थे और बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको काम चाहिए। युवराज सिंह करेंगे कि करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन उन बोलते हैं कि निगम में पैसा ही नहीं तो कहाँ से पेमेंट होगा। डालेंगे करके 2 महीना से ऐसे चलते आ रहे हैं, हम लोग भी काम करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत दिन पैसा ही नहीं है, तो इसलिए निगम आना पड़ा हम लोग को और काम छोड़ के, और जो बोलते हैं वो करते हैं हम लोग काम। मैं ऐसे डिवाइडर में काम कर रहे हैं, मट्टी फेंकने का काम, पौधा लगाने का काम। आयुक्त कभी सर से मिले हैं तो बोलते गार्डन साफ सफाई हो नहीं रहा है, टेंडर देंगे नहीं, लेकिन पैसा आप लोग जितना दिन कमाए हो उतना पैसा मिल जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बोल रहे मैं गार्डन विभाग में ड्यूटी करती हूँ साफ सफाई का। 3 माह हो गए हम लोग का परमिट नहीं हुआ है, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, कैसे हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं वो हम ही लोग जाने। ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार बोलता है बिल पास नहीं हुआ है, निगम पैसा दे नहीं रहा है, निगम में पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ से परमेंट करेंगे। जिस दिन आएगा उस दिन परमेंट करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग बोल रहे थे सर, वैसे बीच में और रोक दिए थे दो तीन महीने का, उसके बाद में डाले हैं कि 1-1 हफ्ते करके 2 महीने का डाला था, और इस मान तो 3 महीना हो गया कि हम लोग का परमेंट ही नहीं हुआ। सर साहब बोले हैं कि परमेंट करा दूंगा, लेकिन टेंडर नहीं दूंगा उन लोग को, कर्मचारी लोग यहाँ का निगम काम करवाएंगे ऐसे भी। सर हम लोग को यही लग रहा है कि टेंडर हो जाए, यदि टेंडर नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी में नहीं रखेगा, कहीं भी काम नहीं रखेंगे। ऐसे हमको डर लग रहा है कि हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे क्या कमाएंगे, हम लोग को काम चाहिए। अक्टूबर नवंबर 2 महीने का पेमेंट नहीं आया और दिसंबर आ गया, 12 दिन बाद हमारा टेंडर खत्म हो जाएगा। अभी कमिश्नर से मिले तो बोले कि 1-2 दिन में आप लोगों को पेमेंट करा दूंगा करके, और पेमेंट नहीं मिला। हम लोग को बहुत भारी समस्या है, बच्चे का पढ़ाई है, लिखाई है, किराना सामान है, कहाँ से लाएंगे हम सर, पेमेंट नहीं देंगे तो। नगर पालिक निगम भिलाई में लगातार देखा जा रहा है कि प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर के आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो निगम के बड़े बड़े अधिकारी हों। आज ये प्लेसमेंट के कर्मचारी जो उद्यानिकी विभाग में कार्यरत हैं, इनसे इनका कहना है कि इनसे उद्यानिकी विभाग के कार्य को छोड़ के अन्य और भी कार्य कराए जाते हैं, और इनके ठेकेदार हैं युवराज, जिन्होंने 3 माह से इनका पेमेंट नहीं दिया है, रोक के रखा है। आज ये त्रस्त होकर के अपनी गुहार लगाने कमिश्नर साहब के पास आए थे, कमिश्नर साहब से इन्होंने मुलाकात की है, और कमिश्नर साहब का कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर में इनका जो बचा हुआ तनख्वाह है वो दिला दिया जाएगा। लेकिन इनको एक चिंता सता रही है कि इनके पास अब ये डर सताने लगा है इनको कि आने वाले समय में ये ठेका समाप्त होने वाला है, शायद किसी नई कंपनी को, नई एजेंसी को ये ठेका दिया जा रहा है, और उसके क्या क्राइटेरिया होगी ये तो वही जाने, लेकिन ये लोग चिंतित हैं कि इनके पास अब रोज़गार नहीं रहेगा, और जब रोज़गार नहीं रहेगा तो इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस स्थिति में ज़रूर एक बार निगम प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि वैसे भी जो नियम कहता ये है कि ठेकेदार भले चेंज हो जाए लेकिन कर्मचारी चेंज नहीं होते हैं, यह नियम में है, बायलॉज में है, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, और निगम आयुक्त को कड़ाई से इस पर फैसला लेने की ज़रूरत है ताकि इन गरीबों के घर का चूल्हा भी जलता रहे और निगम का काम भी होता रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूं भिलाई से संतोष शर्मा।